स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 कैलकुलस का, जिसका पहले टॉपिक अभी है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके पहले एक ग्राफ को देखते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें हमने काफ़ी कर्व्स बनाए हैं, काफ़ी सारे अप्स हैं डाउन्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये चीज़ हमने पहले सीख ली थी कि जहाँ पर हमारा ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कर्व का टेंजेंट, तो वो हमारा एफ डैश एक्स जीरो होगा, मतलब वहाँ पे हमारे ग्राफ का स्लोप जीरो हो रहा है। तो पहला ये पॉइंट निकला, दूसरा ये पॉइंट निकला, ओके एफ डैश एक्स जीरो, फिर निकला इसमें तीसरा, चौथा, ओके एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इतने सारे पॉइंट हैं, ओके। तो ये हमारे इनको पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। ये क्या है, अपने एरिया में मैक्सिमम है, लाइक ये जो इतना एरिया है, ओके इसके आसपास सब, ये इसके आसपास ये जो है ये सब इससे छोटा है, ये लोकल मैक्सिमा है। तो इस तरीके से ये तीनों अपने आप में लोकल मैक्सिमा है, बट तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा है या पूरे ग्राफ में जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वो ग्लोबल मैक्सिमा है, उसको भी पढ़ेंगे। और सिमिलरली दीज आर लोकल मिनिमा, ओके ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा के पॉइंट है, ओके। और हमारा एक कंडीशन और क्या होती है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, लेकिन यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स अगर आपका लेस देन जीरो है तो ये आपका लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, अपोजिट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं और एफ डबल डैश एक्स को हम लेस देन जीरो ले रहे हैं, ओके। और अगर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो ये आपका लोकल मिनिमा होगा। तो ग्राफ में जितनी चीज़ें लगभग समझ में आई। और एक चीज़ और है, ये क्या है, इस साइड को हम कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं, जो कि आपके स्लोप की लाइन के नीचे होता है उठा हुआ, और इसको आप कॉनकेव बोलते हैं। अभी इस पर आएंगे दोबारा से, ओके पहले इसको पढ़ लेते हैं। एन एट डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एन माइनस वन, लाइक एक्स क्यूब का पॉलिनोमियल है, ओके एक्स क्यूब के ऑर्डर का, तो उसमें थ्री माइनस वन मतलब टू मैक्सिमा या मिनिमा प्रेजेंट होंगे एक्स क्यूब वाले पॉलिनोमियल में। तो एन एट डिग्री का होगा तो उससे एक कम एक्सट्रीमा प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रीमा कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, एकदम टॉप या एकदम डाउन, ओके। एफ एक्स कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड सेवरल मिनिमम, ठीक है, सेवरल मैक्सिमम सेवरल मिनिमम हो सकते हैं, ओके ये जरूरी नहीं कि एक ही मैक्सिमम एक ही मिनिमम हो। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा अपने एरिया में लोकल है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एक ही होगा। ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोकल मैक्सिमा इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा, ओके। सिमिलरली लीस्ट अमंग लोकल मैक्सिमा इज कॉल्ड ग्लोबल, सॉरी लोकल मिनिमा इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज चेंजिंग, ठीक है, अगर dy upon dx बदल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन y इज इक्वल टू fx एज लोकल मैक्सिमम एट स्टेशनरी पॉइंट। अब ये भी सीखा था कि ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये एफ डैश एक्स जीरो होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो उन स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा y इज इक्वल टू fx के जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन के लिए, अगर हमारा dy upon dx मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्लोप था पॉजिटिव था, यहाँ से एकदम से जीरो हो गया, ओके पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू से जीरो हो गया, तो जीरो एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यू लेस नेगेटिव ही हुई, तो वहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा मतलब आपका नेगेटिव स्लोप चल रहा था, एकदम से पॉजिटिव हो गया, ओके तो हमारा वो हो गया लोकल मिनिमा। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जैसे इस वाले कंडीशन को और इस वाले कंडीशन को, आपका यहाँ क्या किया है, हमने पहले पॉजिटिव स्लोप चल रहा था, पॉजिटिव से जीरो पे जा गए, पॉजिटिव टू जीरो, सिमिलरली यहाँ आपका नेगेटिव टू जीरो। अगर टू जीरो के फॉर्म में बात करें, इसको समझेंगे ध्यान से, अगर टू जीरो के फॉर्म में बात करें तो ये आएगा, ये आपका पहला मैक्सिमा वाला केस है और ये मिनिमा वाला केस है, ओके। और या उल्टा बोलें कि उसी पॉइंट पे ऐसा भी तो हो रहा है, ये जो पॉइंट है एफ डैश एक्स जीरो का, ये जो पहला वाला पॉइंट है जहाँ पे ये वाला पॉइंट है एफ डैश एक्स जीरो का, तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, अब जीरो से नीचे भी तो गिर रहा है ना, नेगेटिव भी तो हो रहा है ना, तो ये भी चीज़ है। मतलब उस पॉइंट के पहले देखो या बाद में देखो तो आपको कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, पहले देखो या बाद में देखो आपका स्लोप गिरेगा ही, ओके पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव से जीरो जा रहा है उसके पहले, बट हाई से लो स्लोप हो रहा है तभी तो जीरो हो गया आके, तो ये चीज़ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है कि जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। अब ये देखते हैं, ये जो मैंने बोला था कि आपका जो टेंजेंट लाइन के नीचे अगर हमारा कर्व है तो वो हमारा कॉन्वेक्स साइड है,
मतलब टेंजेंट मतलब एफ डैश एक्स जीरो है, अगर एफ डैश एक्स के ऊपर आपका कुछ कर्व है तो ये आपको कैसे दिख रहा है, ये कॉनकेव साइड है। ओके कॉनकेव साइड है, ये बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किए। अब आता है कि सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके सैडल पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, तो देखते हैं वो क्या होता है। इफ डबल एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका एफ डबल डैश ए किसी पॉइंट पे जीरो है, ओके और एफ ट्रिपल डैश ए आपका नॉट जीरो है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देन एक्स इक्वल टू ए उस पॉइंट पे आपको, हम उस पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। द पॉइंट एट विच कॉन्केविटी चेंजेस टू कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्वेक्सिटी चेंजेस टू कॉन्केविटी। ओके ये वाली कंडीशन जहां पे आपका ये कॉन्केव साइड कॉन्वेक्स बन रहा है और कॉन्वेक्स कॉन्केव बन रहा है इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एफ एक्स इज नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। इस जगह पे ना तो आपका मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, इस चीज को भी समझते हैं, सैडल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है और कॉन्केविटी से कॉन्केटिव कॉन्वेक्सिटी में चेंज है तो इसको समझते हैं। लाइक ये जो पॉइंट है आपका, अब इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा है आपका ये कैसा साइड है, कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है। इस पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, मतलब जीरो कभी नहीं हो सकता, स्लोप आपका है। इस साइड के नीचे जाते ही क्या हो गया, आपका कॉन्वेक्स साइड कॉनकेव साइड में चेंज हो गया, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला। अगेन दिस पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट, मतलब ये इसके नीचे कॉनकेव वाला साइड था, ऊपर फिर कॉनवेक्स में चेंज हो गया। जहाँ पे ये चेंज आता है कॉनवेक्स से कॉनकेव या कॉनकेव से कॉनवेक्स, तो वहाँ पे जैसे इस पॉइंट के पहले अगर इस साइड से आप नोटिस करना शुरू करो तो ये क्या है, कॉनकेव कॉनवेक्स वाली साइड है, और इस पॉइंट के बाद में जाती कॉनकेव बन गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या सैडल पॉइंट है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ई गेट इलेक्ट्रिकल गेट का है, आ चुका है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, हमें सैडल निकालना है, सैडल पॉइंट निकालना है। तो ग्राफ हमने एक्स क्यूब का बनाया जो कि कुछ ऐसा बनता है, इसमें देख के तो हमको साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कुछ हाफ हमारा क्या है, कॉन्वेक्स साइड है कॉनकेव साइड है, तो ये पॉइंट हमारा चेंज हो रहा है, सॉरी ये हमारा नीचे वाला कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ओके तो ये चेंज हो रहा है इस जगह पे, x इक्वल टू फ्रॉम ग्राफ x इक्वल टू जीरो इज द सैडल पॉइंट, ये तो यहाँ से हमें दिख रहा है। लेकिन सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकली भी जो हमने सीखा उससे, तो f डबल डैश x क्या होगा, 6x। ओके 6x को जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू जीरो आ रहा है हमारा, तो f डबल डैश x हमारा जीरो आ रहा है, x x इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है। ओके देन f ट्रिपल डैश a हमारा क्या होगा, केवल 6 बचेगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेन पॉइंट तो a होता है बट इस जगह पे वो पॉइंट a इज इक्वल टू जीरो है, तो इस पॉइंट पे हमारा ये सैडल है, इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव में चेंज हो रहा है, और इसीलिए x इक्वल टू जीरो को हमने सैडल पॉइंट बोला। और इस जगह पे हमारा f डैश डबल डैश जीरो जीरो के इक्वल हो रहा है, आप इसमें जीरो अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी था 6x, तब ये जीरो के इक्वल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन कि एफ ट्रिपल डैश जीरो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, नॉन जीरो हो, ओके जीरो ना हो, तो ये चीज आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो हमने अभी पढ़ा वो हमसे जस्ट पूछ रहा है ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया है। मेन चीज क्या है कि यहाँ हमसे वो नंबर पूछ रहा है कि नंबर कितने होंगे, ना कि उनकी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होंगे वो हमको बताने हैं। तो शुरू करते हैं, पहले एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो 4x³ - 36x। ओके तो एफ डबल डैश एक्स से हमारा काम है, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 12x² - 36। इसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारा एक्स आएगा ±√3 के इक्वल। ओके यहाँ से हमने निकाला कि इन वैल्यू के लिए, मतलब x इक्वल टू a पे हमारा f डबल डैश x जीरो होना चाहिए, तो इस वैल्यू पे हमारा ±√3 पे जीरो हो रहा है f डबल डैश x। तो अब ये एकदम परफेक्ट वैल्यू है कि नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा f ट्रिपल डैश x जो कि नॉन जीरो होना चाहिए।
तो इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ ट्रिपल डेस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 24x, ओके 24x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल डैश है, एफ ट्रिपल डैश एक्स में हम अपने पॉइंट रखेंगे, जो जिन पॉइंट के लिए हमको चेक करना है ये सैडल पॉइंट है या नहीं, मतलब ये प्रोसेस है। तो √3 रखेंगे, √3 रखेंगे तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मतलब नॉन जीरो वैल्यू देगा। सिमिलरली आप एफ ट्रिपल डैश एक्स में -√3 रखेंगे तो भी ये हमको नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, क्योंकि फॉर बोथ केस नॉन जीरो। तो यहाँ पे हमारा एक्स इजकल टू प्लस -√3 आपके सैडल पॉइंट है, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, टू। तो टू इज द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ सैडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे टू हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1/x। सो वाई इजकल टू एक्स की पावर 1/x, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबको पता है कि हमको लॉग लेना पड़ता है दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक्स की पावर फंक्शन की पावर में समथिंग होता है अगर, तो हमारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/y, या हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस -1/x स्क्वायर इंटू ln x। तो वाई डैस क्या आ गया, 1/x² 1 - log x, या फिर 1 - log x अपॉन x². तो वाई डैस आ गया हमारा, क्योंकि ये वाई डैक्स था और यहाँ पे हमने अभी वाई को उधर नहीं भेजा था, इधर वाई भी है, ये वाला वाई उधर गया है, अब ये सही है। तो वाई डैस इजकल टू एक्स की पावर 1/x, जो हमारा फंक्शन इट्सेल्फ था ये। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो वाई डैस को हमने 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के अगर रखा तो ये सब तो 0 देंगे, 1 - log x आपको क्या देगा, log x इक्वल टू 1, या फिर x इक्वल टू e। तो x इक्वल टू e हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया। चेक करने के लिए कि इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वैसे क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओनली सिंगल स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया है और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम उस पॉइंट पे मैक्सिमम ही वैल्यू होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट है, या तो मिनिमम हो सकता था या मैक्सिमम, क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो आंसर तो आ गया, पर फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आप वाई डबल डैश निकाल लो, वाई डबल डैश निकालने के लिए आप इसमें डिवीजन रूल लगा दो, तो वाई इंटू ये आपका फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, एक्स की पावर 1/x मतलब वाई और इंटू ये, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जो ये पूरा है इसमें खुद में आप डिवीजन रूल लगाएंगे, तो कुछ सॉल्व होके आपका आएगा -y/x³, ऐसा आएगा सॉल्व होके। तो आपको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ई की, तो वाई डबल डैश ई, तो ये आपको जो वैल्यू देगा वो आपका <0 दिखा रहा है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ही मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो आप उसमें वाई इसको वाई ई रखते हैं, ठीक है, वाई एक्स की जगह ई रख दे, तो ई की पावर 1/e ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर हमसे पूछा है कि क्वेश्चन है सिंपल सा कि एक हमें पॉलीनोमियल फंक्शन दिया है और इसके अंदर कितने मिनिमा होंगे या मैक्सिमा होंगे, मिनिमा मैक्सिमा मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें सीधे एफ डैश एक्स निकाला हमने, इक्वल टू 0 रख दिया, तो हमें 4 पॉइंट मिले 0, 0, 1, 3। लेकिन 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 4 पॉइंट मिले, और हमने ग्राफ में क्या देखा था, ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो ऐसे कोई अगर कन्फ्यूजन में लगाया है तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा लगाया है, तो वो पूरी तरह गलत है। अभी आपने ये कब चेक किया कि इन पॉइंट पे ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक्स इजकल टू 0 के लिए चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला, तो एफ डबल डैश 0, 0 दे रहा है इस पे पॉइंट पे, 0 वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब एफ डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव आपका या तो बड़ा होगा 0 से या छोटा होगा, अगर 0 हो गया तो फिर उस पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। और चेक कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश 0 आपको नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो ये अपने आप में एक सैडल पॉइंट है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो ये आपका एक्स इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा होगा या ना मिनिमा होगा। सिमिलरली आप चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 1 के लिए एंड 3 के लिए, तो एक बार आपको <0 दे रहा है तो आपका मैक्सिमम आ गया, एक बार सॉरी दिस इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है,
तो आपका मिनिमम वैल्यू आ गई। ओके, तो ये आपके दोनों पॉइंट हो गए, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है कि एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमा है, तो वो आपका सही है, ओनली सिंगल सिंगल। आपको शॉर्टकट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा यूज के हैं। ओके, बहुत ही बहुत ज़्यादा यूज के हैं। ओके, इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, इस फॉर्म में है आपका ए है, थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं, बी है और सी है, देन आपका जो वाई मैक्स होगा वो होगा सी प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका जो वाई मिनिमम होगा सी माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो कॉस साइन की बात हो गई। अब इनके काउंटर पार्ट की बात करते हैं, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो वाई इज इक्वल टू ए सेक प्लस बी कॉस, ओके, और या तो वाई इज इक्वल टू ए कॉट प्लस बी टेन, और ए कोसेक तो आपको पता है कि बी आपका साइन होगा, बी के संग साइन। तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब आपका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा रूट ग्रेटर देन इक्वल टू आपके ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा होना चाहिए। अब ये रेसिप्रोकल टर्म है तो इनका क्या होगा, कुछ इस तरीके का x अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस टू, इस तरीके से। ओके, ये हमेशा इससे बड़ा होगा रूट ए बी से। ओके, यहाँ पे हम 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा रूट टू ए बी से बड़ा होगा इक्वल होगा। और x क्या है हमारा cos थीटा, और 1 अपॉन x क्या है हमारा sec थीटा, मतलब cos का उल्टा sec। तो इस फॉर्मूले से लगभग इस उस पर बेस हमको ये चीज़ मिलता है, ये कॉन्सेप्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, या फिर 2 को उधर भेज देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी। तो ग्रेटर देन होगा, बड़ा बहुत हो सकता है, पर मिनिमम क्या हो सकता है, रूट टू ए बी तो उसको होना ही होना, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो वाई मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमारा टू रूट ए बी है। तो यहाँ पे जो वाई मिनिमम है ये टू रूट ए बी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वाई मिनिमम टू रूट ए बी है। तो ये जो काउंटर पार्ट वाला रेसिप्रोकल सेक कॉस कॉट टेन कोसेक साइन, इसमें आपका ये चलता है वाई मिनिमम रूट टू ए बी, साइन कॉस वाले में, और उसमें प्लस सी भी होना चाहिए था, तो वहाँ पे आपका दोनों आप निकाल सकते हो वाई मैक्स वाई मिन। और थोड़ा एनालिसिस करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, और बी आपका ये स्क्वायर टर्म आ गए साइन स्क्वायर थीटा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आपका वाई मैक्स होगा ए और वाई मिन होगा बी। तो पहले जो आपका कॉस के साथ है वो मैक्स होगा, ये मैक्स होगा और ये आपका मिन होगा। एक और है ई रेस टू, मतलब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, x इंटू एन एक्स की पावर n इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, दिस एफ इज देन द एफ इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू n। तो ये आपका जो x की पावर है इसी पॉइंट पे आपका x एफ एक्स जो होगा मैक्सिमम होगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस ए इंटू x प्लस बी, इस तरीके का फॉर्म दिया है कुछ, आपका ये a है ये b है, देन एफ एक्स इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने तीनों में मैक्सिमम की बात करी है और यहाँ मिनिमम भी निकाल लिया, तो आखिरी के दो पॉइंट में केवल और केवल मैक्सिमम पॉइंट की बात करिए। तो फिर ये कुछ उसी तरीके का एक्स इक्वल टू रूट ए बी वाला ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। तो इन सारे फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में वो देखते हैं। एफ थीटा इक्वल टू फाइव कॉस थीटा प्लस थ्री कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा प्लस थ्री, दिस इज थीटा। तो ये कुछ उस तरीके का फॉर्म है, ये हमारा सी है, ओके, ये हमारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, नहीं है बी साइन थीटा है ही नहीं, ये कहाँ है, इसको हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, पहले इसमें पाई बाई थ्री प्लस थीटा है, इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी हमारा टू, तो टू के लिए टू सप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा वन बाई टू सॉरी कॉस ए प्लस बी आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करके होता है। तो इस तरीके से 1 बाई टू आपका कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू है इंटू कॉस थीटा माइनस आपका साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन थीटा। तो इसमें से क्या किया, कॉस कॉस वाले टर्म हमने एक साथ ले लिए, तो 5 प्लस थ्री बाई टू आ गया और साइन थीटा का टर्म आ गया, तो आपका ए आ गया, आपका बी आ गया, आपका सी आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली 10। तो ईजी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए टर्म किस एक्सप्रेशन में आपको लगाना है, उसमें ए और बी सी कैसे निकालना है। तो पहला एप्लीकेशन देखा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या है कि इफ़ एफ डैश ए इज इक्वल टू सॉरी एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू एफ हाँ एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू एफ फोर टाइम डैश ए
कुछ भी, सब कुछ आपका जीरो है टू की पावर एन माइनस वन तक, लेकिन बस टू की पावर उससे बड़ा जो टर्म है, टू की पावर एन माइनस वन के बाद क्या आता है टू की पावर एन, वो आपका लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो आपको क्या हिंट दे रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है। तो ये आपको जो नॉर्मल मैक्सिमम कंडीशन है उससे भी रिजेंबलेंस दिखा रहा है कि आपका एफ डबल डैश, सॉरी एफ डैश जीरो होता है, एफ डबल डैश आपका लेस देन होता है। ये चीज़ बहुत लंबी भी खींच के जा सकती है, ठीक है। आप एफ की पावर फोर मतलब चार बार डेरिवेटिव करके भी आपका जीरो आ गया, पांचवा वाला जीरो नहीं आया तो भी आपका मैक्सिमम होगा, पांचवा वाला जीरो नहीं आया लेकिन क्या आया, ग्रेटर आया जीरो से कि मतलब स्मॉलर आया लेसर आया, उस पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम होगा मिनिमम। सेम ये सेकेंड, मतलब ये तीनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है, सेम है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, उसके केसेस हैं, डिफरेंट केसेस। ये सेम वही चीज़ ली, एफ डैश ए इजकल टू एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए करके और इजकल टू जीरो, लेकिन टू एन माइनस वन के एकदम बाद वाला जो हमारा टू एन है तो वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये किससे हमारा मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू से मिल रहा है। और फॉर्मूला थ्री में जो हमारा सैडल पॉइंट का होता है कि एफ डबल डैश ए इजकल टू एफ ट्रिपल डैश ए, एफ की पावर टू एन माइनस टू ए आपका जीरो तक आ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट एक बाद जो होगा टू एन माइनस वन वो आपका जीरो नहीं होगा, ओके, वो आपका जीरो नहीं होगा। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये हमारा जीरो नहीं है एफ की पावर टू एन माइनस वन, वो सैडल पॉइंट है। ये हमारा वही है कि एफ ट्रिपल डैश को हम जीरो यू चेक करते हैं, एफ ट्रिपल डैश को, तो टू एन माइनस वन मतलब ऑड पावर, इवन के जस्ट बाद ऑड। तो हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश वाला सॉल्व करते हैं, एफ ट्रिपल डैश वाला हमारा जीरो नहीं आना चाहिए तो हम उसको सैडल पॉइंट कह लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें यहीं से निकल के आई, इन्हीं तीन आपके जो ये स्टेटमेंट्स हैं, केसेस हैं, फॉर्मूलेज हैं। और क्वेश्चन करते हैं कुछ, इसी वन मार्क का क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है कि एफ एक्स इजकल टू ई रेस टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ मैक्स हमें क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, हमें एफ पिन भी निकाल लेंगे। तो एफ एक्स इजकल टू ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई का ग्राफ देखते हैं, ई का ग्राफ ऐसा होता है इंक्रीजिंग एकदम। ई के ग्राफ में एक प्रॉपर्टी है कि आपका एक्स अगर इंक्रीज करेगा तो आपका ई की पावर एक्स एक्स के इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगा, मतलब एक्स जितने इंक्रीज करेगा आपका ई की पावर एक्स भी उतना ही इंक्रीज करेगा एकदम साथ के साथ। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ई की पावर समथिंग में अगर आप एक्स को इंक्रीज कर दो, मतलब आप एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो आपका फंक्शन खुद मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम ई की पावर केवल मैक्स लगाते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर लगाते हैं तो इसमें हमें दिख गया होगा कि ए हमारा माइनस वन है क्योंकि कॉस के संग होता है, बी हमारा वन है और सी हमारा है ही नहीं। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया ई की पावर रूट टू। तो रूट इस वैल्यू पे हमारा ये एफ मैक्स की वैल्यू आई, मैक्सिमम होगा। एफ मिनिमम निकालते हैं तो सेम क्या है, बस बीच में माइनस साइन डाल देते हैं, तो ई की पावर माइनस रूट टू, ये आपका एफ मिनिमम आ गया। तो उस वो जो फॉर्मूले थे वो कितने ज़्यादा काम के हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है कि एफ एक्स आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और आपको एफ मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं मतलब हिंट देता हूँ कि आपका ई की पावर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल हम क्या पढ़ा कि ई की पावर मतलब ये जो फंक्शन मैक्सिमम होने के लिए ई की पावर में जो चीज़ें आप उसको मैक्सिमम कर दो, हमें केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और उस कुछ नहीं मतलब है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ई रेस टू जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसी पे हमारा एफ एक्स मैक्सिमम होगा। हमसे पूछा मिनिमम है तो मिनिमम निकाल लेंगे कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिनिमम कब होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन है वन मार्क गेट में आपका आ चुका है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका किस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो आपका सीधे से मैक्सिमम कहाँ होता था, एन पे। तो एक्स इक्वल टू टू पे, एक्स इक्वल टू टू पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जा रहा है। और देखते हैं, टू कॉट थीटा प्लस थ्री टेन थीटा, तो एफ मिनिमम क्या होगा, ये हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल वाला केस। तो टू रूट ए बी आपका मिनिमम होगा, मतलब कॉट और टेन एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, रेसिप्रोकल है। तो आपका ये ए बी है तो आपका टू रूट ए बी, तो आपका टू रूट सिक्स पे आपका मिनिमम होगा, एफ मिनिमम होगा। फिर पढ़ते हैं एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स निकालना है। तो हमने पढ़ा था एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आपका वो रूट ए भी होता था। तो यहाँ पे ए भी वन है बी भी वन है, ओके। एफ मैक्स जो होगा तो एक्स इजकल टू रूट ए भी मतलब वन, वन पे होगा।
अब वन पे होगा, उस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, वन को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका वन अपॉन फोर जो होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एट वन पे, एक्स इक्वल टू वन पे। फिर हमने निकाला मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये तो साफ दिख रहा है कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। और ये जो काउंटर पार्ट वाले तीन फॉर्मूले थे, कॉस सेक, कोसेक साइन और कॉट टेन, वो हमने कुछ इसी तरीके से निकाले थे। तो वही चीज़ हमने यहाँ रिकॉल करी जो मैंने पहले बताई भी थी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स इंटू वन बाई एक्स, मतलब तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट वन या फिर टू, इस केस में टू ही है। ओके, तो एफ मिनिमम हमारा किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। और ये मिनिमम वैल्यू देता है, ये याद रखेंगे हमेशा, वो तीनों फॉर्मूले मिनिमम वैल्यू के लिए थे। एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ कौन से तीनों फॉर्मूले की बात हो रही है। ये तीन फॉर्मूलों की बात हो रही है, ये आपका मिनिमम वैल्यू देते थे। बाकी फॉर्मूला नंबर वन एंड थ्री दोनों वाई मैक्स वाई मिन आप निकाल सकते हैं, वहाँ पे प्लस माइनस को चेंज करते हैं, यहाँ पे आपका ए और बी देता है वाई मैक्स वाई मिन, और यहाँ पे आपको केवल मैक्स वैल्यू ही मिलेगी फॉर्मूला फोर फाइव पे। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ईसी 2016 का क्वेश्चन है, गेट का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द टाइम वेरिंग वेक्टर आई, एक वेक्टर दिया है आई के फॉर्म में, 15 cos ωt i प्लस 5 sin ωt j, मतलब ये आई जे के आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सेस हैं। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओमेगा इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन आई अटेन्स मिनिमम वैल्यू, जब आई मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, एंगल थीटा डेट आई मेक्स विद एक्स एक्सिस क्या होगा, मतलब कि आई की इसकी मिनिमम वैल्यू पे, मतलब आई मिनिमम पे आपका थीटा क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है कि आई मिनिमम पे आपका थीटा क्या होगा। थीटा लाई करेगा 0 से 180 के बीच में, 0 से पाई के। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब इसको एक ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें वेक्टर है और उसमें क्या क्या है वो नहीं, ये सीधे सीधे कैलकुलस में आपका जो प्योर मेन कैलकुलस होता है उसी का क्वेश्चन था, ना कि वेक्टर कैलकुलस का। तो आई का मैग्नीट्यूड रूट 15 आपका जो पहला टर्म है, रूट इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको इसको मिनिमम करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो आपका रूट हट जाएगा, तो 15 स्क्वायर cos² θ प्लस 5 स्क्वायर sin² θ, इसको मिनिमम करना है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अपना, ए कॉस थीटा प्लस बी सॉरी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मिनिमम वैल्यू ही देता था, तो आपकी या तो वो वैल्यू देगा तो ए देगा और बी देगा, सॉरी मिनिमम मैक्सिमम दोनों देता था, तो उसमें याद करेंगे इस तरीके का था, मैं रिराइट कर देता हूँ, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके का फंक्शन होगा। तो आपका एफ मिन होगा मतलब साइन वाला कोफिशियंट, और एफ मैक्स होगा आपका ए कॉस वाला कोफिशियंट। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा साइन वाला कोफिशियंट मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25। तो ये जो फंक्शन मिनिमम वैल्यू आपका होगा 25 पे। अब ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब है, जब आपका थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए आपका ओमेगा टी के इक्वल। क्यों, हम जो अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, ये ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये कब लगेगा, मतलब जब थीटा के फॉर्म में हो, तो थीटा ओमेगा टी के फॉर्म में हो, या थीटा हमारा क्या हो, पाई बाई टू हो, जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई में, तो थीटा हमारा पाई बाई टू होगा, उसी वैल्यू पे हम इसको लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि ये कॉन्सेप्ट ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ग्लोबल बात की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसको किसी रेंज में ढूंढ रहे हैं, लाइक क्लोज इंटरवल ए से बी। तो ग्लोबल मैक्सिमम की बात करेंगे ऑफ एफ एक्स इन ए से बी क्लोज इंटरवल, तो मैक्सिमम ऑफ, अब इसके अंदर आप एफ ऑफ ए पे भी चेक करेंगे, एफ ऑफ बी पे भी चेक करेंगे, और बाकी सारे लोकल मैक्सिमाज में भी चेक करेंगे। मान लो फंक्शन में चार लोकल मैक्सिमा है, तो आप 6 जगह चेक करेंगे कि उन 6 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और मिनिमा में तो फिर आप वही चीज़ ए पे चेक करेंगे, बी पे, और सारे के सारे लोकल मिनिमा पे चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² - 24x + 100, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, पॉलीनोमियल फंक्शन।
इन द इंटरवल माइनस थ्री से थ्री प्लस थ्री क्लोज इंटरवल, तो स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो आपका स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया फोर एन माइनस टू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फोर तो बिलोंग ही नहीं करता माइनस थ्री से थ्री में, जिस रेंज में हमसे पूछा था तो हमारे किसी काम का नहीं, केवल टू पॉइंट है एक्स इक्वल टू टू। अब एफ डबल डैश एक्स निकाला और उस पर हमने ये सॉरी माइनस टू रखा, ये यहाँ पे माइनस टू है, दिस इज माइनस टू रखा, तो माइनस टू मतलब माइनस टू वाला आंसर आया कि विच इज़ लेस देन जीरो, मतलब हमारा मैक्सिमम जो होगा वो एक्स इक्वल टू माइनस टू है, या जो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है वो असल में लोकल मैक्सिमा है, ये हमने पता चला। अब हमें निकालना है लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा अब कहाँ बचा कि माइनस टू पे तो हो नहीं सकता। अब पॉइंट्स बचे ए एंड बी मीन्स माइनस थ्री एंड थ्री, तो दोनों पे चेक करेंगे वैल्यूज निकालेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, यहाँ प्लस वैल्यू आ रही 12 मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा मिनिमा जो है वो थ्री पे लाई कर रहा है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ऊपर पॉलिनोमियल में आप एफ में थ्री रख दो तो आपका आंसर आएगा 28, ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की इन द रेंज ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस थ्री से थ्री के बीच में। ये पहला क्वेश्चन हुआ। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 और रेंज दी है माइनस सॉरी 5 से 10 क्लोज इंटरवल, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ओके वही स्टेशनरी पॉइंट्स को कौन सा स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे एक्स इक्वल टू 5, तो 5 तो खुद ही वो पॉइंट है, मतलब वो उस पॉइंट से ही 10 तक पूछ रहा है, तो 5 तो हमारे सिग्निफिकेंस का है ही नहीं, तो इसमें कोई भी लोकल मिनिमा नहीं होगा क्योंकि 5 तो आपका कॉर्नर मतलब रेंज वाला पॉइंट है 5 और 10, तो कोई लोकल मिनिमा नहीं होगा। अब आप क्या करो, सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन में जब आपने निकाल लिया कि कोई लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, जो भी आपसे पूछा था मिनिमा ही पूछा था, वो कोई लोकल मिनिमा नहीं है, तो इस 5 को इसमें अप्लाई करो और इस 10 को अप्लाई करो, दो वैल्यूज आएंगी फंक्शन की, जो वैल्यू ज़्यादा देगा वो हमारा ज़्यादा वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो 100 हमारा इस पे आ रहा है 10 पे, तो 10 पे हमारा मिनिमम वैल्यू होगी 100 इस फंक्शन की इन द रेंज 5 से 10, ये निकला। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, दिस इज प्लस, उसको पूरा हटा दो प्लस, ओके दिस इज प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इन द रेंज माइनस फोर से फोर, तो सिंपल वही चीज़ वाई मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश एक्स, स्टेशनरी पॉइंट आया 1 जो कि बिलोंग करता है माइनस फोर से फोर को, तो हमारे पास तीन पॉइंट आए माइनस फोर वन एंड फोर। अब सीधे से क्या है, इन तीनों पॉइंट को आप इसमें रख दो, तीन वैल्यू आएंगी और जो भी आपसे पूछा है, आपसे पूछा है मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम आपका 22 आ रहा है माइनस फोर पे, तो माइनस फोर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस ग्राफ की माइनस फोर से फोर रेंज के बीच में, क्योंकि 22 है वैल्यू। अब बात करते हैं थ्री वेरिएबल की, सॉरी टू वेरिएबल्स की, फंक्शन में टू वेरिएबल हैं, अगर एक्समिटाइज एक्सट्रीमाइज मतलब आप इसका मिनिमम या मैक्सिमम निकालो, यूज कर टू एफ ऑफ एक्स वाई इस तरीके का फंक्शन, तो यहाँ यू आते ही हमारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए डो यू अपन डो एक्स डो यू ओपन डो वाई, तो डी यू इजकल टू इसको जीरो रख देंगे क्योंकि यू पे निकालना है, तो डी यू मीन्स के मतलब क्या है, डी यू तो सिंपल सा वही है ना, यू डैश मतलब वही जो आप एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं वही सेम चीज़ है, बट सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो इसको जीरो मीन्स डो यू ओपन डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू ओपन डो वाई डी वाई इजकल टू जीरो, इसको जीरो रखेंगे। अब इसको ये जो पी है क्यू है ये सब आके देखेंगे क्वेश्चन में, तो सॉल्विंग पी इजकल टू जीरो क्यू इज कल टू जीरो वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, मतलब ये जो आपका इतना टर्म है डू यू ओपन डो एक्स ये आपका पी है, ये डू यू ओपन डो वाई आपका क्यू है, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे जीरो के इक्वल रख के, तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई निकलेगा, मतलब जो पी से निकलेगा वो एक्स होगा, वाई निकलेगा वो वाई सॉरी क्यू से निकलेगा वो वाई होगा, और दोनों को मिला के एक पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि मतलब कि टू डायमेंशन की बात हो रही है, ऐसे मान लो कि टू डी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो फाइंड आर एस एंड टी, ये भी क्या होते हैं वो भी क्वेश्चन में आएगा, तो ये भी निकालो स्टेशनरी पॉइंट पे, इनकी वैल्यू निकली उससे आप निकालो, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन जीरो है ओके तो ये होगा लेस देन जीरो, तो देखते हैं अगर ये आपका लेस देन जीरो हो गया तो उस जगह पे आपका सैडल पॉइंट होगा एट एक्स कॉमा वाई, जो भी एक्स वाई है, देन यू इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स कॉमा वाई, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा होना चाहिए पहली कंडीशन, छोटा होगा तो सैडल पॉइंट बन जाएगा, बड़ा होगा उसके बाद फिर चेक करेंगे आर को, अगर आर बड़ा है तो फिर वही जो पुराना हमारा खेल चलता रहा था कि अगर वैल्यू बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू और वैल्यू छोटी है तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इस सब को देखते हैं क्वेश्चन से।
अभी क्वेश्चन लेते हैं जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ एक्स वाई, एफ फंक्शन है एक्स वाई का, तो 2x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y हैज अ रिलेटिव। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा इसका, तो हमसे ये पूछा है। इसका हम क्या निकालेंगे, इसको u के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे p जो होता है वो डो यू ओपन डो एक्स हमने निकाला, और q जो है वो डो यू ओपन डो वाई। तो p निकाला 8x³, मतलब केवल x वाले उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमारा पॉइंट आया प्लस माइनस 1/2 एंड सॉरी 0, प्लस माइनस 1/2, और q के रेस्पेक्ट में हमारा पॉइंट आया 1। तो हमारा तीन पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं, 0, 1, 1/2, 1, -1/2, 1, ये स्टेशनरी तीन पॉइंट निकल के आए। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल टू यू अपॉन, मतलब डो टू यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इजकल टू हमारा 24, ये हमारा क्या है आर है, दिस इज आर। दिस इज एस एंड दिस इज टी, तो ये हम याद रखेंगे। आर मतलब डो टू यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टी मतलब विद रेस्पेक्ट टू वाई डबल डिफरेंशिएशन, एस मतलब मिक्स, डो टू यू अपॉन डो एक्स डो वाई। तो इसको हमने रखा, निकाला तो ये वैल्यू आई, ये हमारा जीरो आ गया, ये हमारा ये वैल्यू आई। जो भी वैल्यूज आई उनको आप रख के सॉल्व करो। अब आप क्या करेंगे, तीनों डिफरेंट पॉइंट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, पहले यही निकालते थे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला और पॉइंट की जो वैल्यू है 0, 1 वो सब अप्लाई करती है जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकती है। तो आपका कुछ इस तरीके से आया, पहला पॉइंट आया आपका 0 से छोटा, दूसरा आया 0 से बड़ा, तीसरा 0 से बड़ा। 0 से छोटा मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा सीधे सीधे सैडल पॉइंट दे देता है। तो 0, 1 तो हमारा सैडल पॉइंट है, वहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा नहीं हो सकता। फिर आपने आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, ये 0 से बड़े आए दोनों केस में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब हम चेक करेंगे आर क्या है, अब हम पर्टिकुलर आर को चेक करेंगे। आर यहाँ पे है 4 और दोनों पे ही 4 वैल्यू दे रहा है आर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था। तो दोनों पॉइंट पे हमको मिनिमम मिलेगा, ठीक है, सेम एट बोथ पॉइंट हमको इन दोनों पॉइंट पे 1/2, 1 और -1/2, 1 पे दोनों पॉइंट पे हमको ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो आंसर देखते हैं, मिनिमम एट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है 1/2, 1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मिनिमम क्यों दे रहा है, क्योंकि आर जो है वो हमारा बड़ा है, आर 4 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हमें मिनिमम दे रहा है, वो हमें यहाँ से पता चला। अब आगे देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब तीन वेरिएबल लेते हैं और उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन फिर भी। तो x² + 5y² + 5z² - 4x + 10y - 40z + 300, मेन चीज़ जो कॉन्सेप्ट, जो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट हमेशा बता बचाते हैं, जो छोटे छोटे सेकेंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है तो उसमें आपके लोकल मैक्सिमम मिनिमा कितने होते हैं, एक्सट्रीमा जो भी होते हैं वो कितने होते हैं, n-1 होते हैं। मतलब यहाँ अगर n2 है, ये सेकेंड डिग्री का है, तो केवल एक इसमें एक्सट्रीमा होगा, मतलब एक्सट्रीमा मीन्स या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट से पता चली। तो सेम जो हम क्या करते थे, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं, जो हमने सबसे पहले करते थे स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे, जो भी फंक्शन है दो वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का, तीन वेरिएबल का, उसको 0 के इक्वल रखा, ओके रख दिया 0 के इक्वल। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा, डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू अपॉन डी डेल डो वाई डी वाई प्लस डो यू अपॉन डो जेड डी जेड, क्योंकि तीन वेरिएबल का है तो उसमें तीसरा ये बढ़ गया ये। तो हमने डो यू अपॉन डो एक्स को अलग निकाला, डो यू अपॉन डो वाई को अलग निकाला, डो यू अपॉन डो जेड को अलग निकाला। अब ये जो तीन पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट निकले, ये तीनों को मिला के एक सिंगल पॉइंट बनता है टेक्निकली। मतलब ये मान लो कि 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो एक कोई पॉइंट होगा 2, -1, 4, वो उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब सीधे से इनने बता दिया कि एक ही एक्सट्रीमा होगा, कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया, और एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है, तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पूछिए तो मिनिमम पॉइंट होगा, और उस वैल्यू पे हम सॉल्व कर लेंगे। एफ एक्स इज मिनिमम एंड स्टेशनरी पॉइंट 2, -4, 1 फ्रॉम क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पूछा था मिनिमम, तो एफ मिनिमम हमारा इस पे वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 211। तो ये मिनिमम वैल्यू है क्वेश्चन की इस रेंज में, ओके 211। एक और तरीका होता है करने का कि हैंस कोफिशियंट ऑफ x² y² एंड z² आर पॉजिटिव, तो हमको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। मतलब ये तीनों के क्वेश्चन क्वेश्चन में ये चेक करेंगे, ये पॉजिटिव हैं, ओके,
और एक्स स्क्वायर तीनों स्क्वायर है, ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये हमको मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर और ये सब तो चला जाएगा। ओके, ये बचेगा टू, ये बचेगा टेन, ये बचेगा टेन, मतलब 22, 22 पॉजिटिव आ रहा है तो इस वजह से हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा। लास्ट टॉपिक को देखते हैं कि एक्सट्रीमाइज यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक फंक्शन है दो वेरिएबल का यू विद रेस्पेक्ट टू कंडीशन। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा दे रहे हैं या कंस्ट्रेंट, फाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी वन, कुछ भी कंडीशन, मतलब ये जो फाई एक्स कॉमा वाई मतलब वाई जो है फंक्शन है एक्स का, तो हम सिंपल क्या करेंगे इसमें वही चीज कर देंगे, वाई की जगह हम रख देंगे एफ ऑफ एक्स, मतलब यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एफ एक्स, मतलब एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस जेड इक्वल टू वन, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई फ्रॉम ओरिजन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला, मतलब वो हमसे क्या कह रहा है कि हमारा एक ग्राफ है, ये ओरिजन है और एक सरफेस है, एक सरफेस है कैसा भी सरफेस है, थ्री डायमेंशन, ये सरफेस है मतलब ये हवा में है, मतलब यहाँ से ऐसे है ये सरफेस, तो इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से जिस पॉइंट पे ये पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, मतलब कुछ मान लो कि ऐसा तिरछा सा सरफेस है तो यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगी ओरिजिन की ये, और ऊपर से तो होगी ज़्यादा, ये सब नहीं, मिनिमम डिस्टेंस पूछा, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन सरफेस, ये सरफेस की इक्वेशन है फ्रॉम ओरिजिन, तो हमें ये मिनिमम पॉइंट निकालना है सरफेस का, ये वाला पॉइंट, और मिनिमम का मतलब कि मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, नियरेस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, ये समझने की जरूरत है, नियरेस्ट मीन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जेड, ओके, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वाई जेड एंड जीरो कॉमा जीरो, मतलब ओरिजन 0 0 0, इस डिस्टेंस को मिनिमम रखना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स जीरो इसका स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई जीरो का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड जीरो, या फिर बोले एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो हमारा हम निकाल लें पी और ओ के बीच में, दिस इज ओ दिस इज पी, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कुछ ऐसे आई हमारी, ओके, तो डिस्टेंस स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वही चीज़ बनी कि तीन वेरिएबल वाली हमारी इक्वेशन है उसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि जेड स्क्वायर जो है हम उल्टा चल रहे हैं, मतलब अब हम जो हमारी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को यहाँ लगाएंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई लगाया, तो यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू लिखो, ये हमने यू तो क्या है उसके लिए कर लिया कि हम इस फॉर्म में कर रहे थे, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अभी हमारा दो वेरिएबल का बच गया, जेड इससे हट गया क्योंकि जेड स्क्वायर जो था तीसरा वेरिएबल वो फिर से एक्स और वाई के फॉर्म में था, तो ये हमारा कुछ फंक्शन ऐसा आ गया, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं पहले इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको मिनिमम रखना है हमें, डू यू इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यू एक्स क्या है डो यू वाई डो एक्स, यू वाई क्या है डो यू वाई डो वाई, और उसमें जो होता था डी वाई इसको जोड़ देंगे, ये हमारा डी एक्स होगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था यू वाला वो निकल आएगा, यू डैश वाला, तो ये यही चीज़ है, ये यही चीज़ है डू यू बाई डो एक्स और डू यू बाई डो वाई, ये हमने निकाला, जब आपने यू एक्स निकाला तो वाई को कॉन्स्टेंट मान लिया और यू वाई निकाला तो एक्स को, यही आ गया। अब इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है जो कि एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे और वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हमारा हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, तभी, वरना ये यूनिक सॉल्यूशन देगा ही नहीं, मतलब दोनों में, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की कंपोनेंट है दोनों को एक साथ जीरो रखना पड़ेगा। तो हमारा मेन इक्वेशन क्या थी, मेन इक्वेशन थी ये, तो ये हमारा क्या दे रहा है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मतलब जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आए 0,0 एक्स वाई और जेड प्लस माइनस वन, मतलब ये तीनों मिला के एक पॉइंट है, जीरो एक्स के लिए, वाई के लिए जीरो और जेड के लिए प्लस माइनस वन, ये तीनों मिला के एक पॉइंट है। एक पॉइंट का मतलब है कि अगर ये आपका जेड एक्सिस है
और ये आपका एक्स है और कहीं वाई ये है, तो वाई एक्स जीरो है, ये जेड में आपका प्लस माइनस वन है, कुछ ऐसा पॉइंट है, ये वाई है, तो जेड इजकल टू प्लस माइनस वन हो गया, आपका स्टेशनरी पॉइंट निकल आए। अब यू एक्स एक्स इजकल टू आर, और आर क्या था आपका डेल एक्स स्क्वायर, ओके। फिर वही सेम चीज़ जो पीछे करी थी, यू एक्स वाई मतलब डेल यू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यू वाई वाई मतलब आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, वही आपने वैल्यूज निकालनी। ये टू आई जो कि बड़ी है, इसको मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये आर आया जो कि बड़ा है, एस आया जो कि वन है, और टी आया जो कि ये हम सॉल्व करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये आया बड़ा ग्रेटर देन जीरो, तो नो सैडल पॉइंट, यहाँ सैडल पॉइंट नहीं होगा। अब बड़ा है तो आर को चेक करेंगे, आर ग्रेटर देन जीरो मीन्स मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम ही हमें चाहिए थी, ये कन्फर्म कर लिया हमने। तो यूज कर टू डी स्क्वायर इज मिनिमम एट जीरो कॉमा जीरो कॉमा प्लस माइनस वन, तो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर वाला हमें सॉल्व किया।